हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार आज हम जा रहे हैं ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, तो मैंने कहा यार आपको भी चलो एक बार दिखा दे कि कनाडा में ग्रोसरी शॉपिंग किस तरह की से होती है। घर से जो ग्रोसरी स्टोर है वो लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे है और लगभग 700-800 मीटर हम पैदल चलकर आ गए हैं। अब यहाँ से बस 1.5 किलोमीटर आगे और बचा है। अब 1.5 किलोमीटर के लिए हम यहाँ से बस लेंगे। ये बस स्टॉप है और यहाँ पे फायर ब्रिगेड निकल रही है, दोनों तरफ की गाड़ियां रुक जाती है यहाँ पे। कनाडा के अंदर जितने भी बस स्टॉप है आपको ऐसा बोर्ड जरूर दिखेगा उस बस स्टॉप पे और उसके नीचे एक नंबर लिखा हुआ है। अगर आप इस नंबर को उस दूसरे वाले नंबर पे टेक्स्ट करके भेजोगे तो आपको जो आने वाली बस है उसके सारे टाइम पता चल जाएगा। तो अभी जैसे मेरा बस का टाइम पहले दिखा रहा था 8 मिनट, फिर मैंने 10 मिनट बाद मैसेज करा तो अब दिखा रहा है 5 मिनट। अपनी मर्जी से जब मर्जी रोड क्रॉस नहीं कर सकते आप। जितने भी पोल्स देखोगे यहाँ पे, उस पोल्स पे इस तरीके के बटन बने होंगे, आपको सिंपली इन बटन को प्रेस करना है और जब आपकी लाइट व्हाइट हो जाए तब आपको क्रॉस करना है। पहुंच गए कनाडा के सबसे बजट फ्रेंडली माने जाने वाले ग्रोसरी स्टोर जिसका नाम है नो फ्रिल्स। तो यहाँ से आप ट्रॉली निकाल सकते हो, 25 सेंट आपको यहाँ पे डिपॉजिट करने होंगे, वो आपके बाद में आते हुए वापस निकल जाएंगे। तो आप यहाँ पे डाल के निकाल सकते हो। मैं इस वक्त एक्चुअली अपना सिक्का घर पे भूल गया तो इसलिए मैं नहीं निकाल सकता इस वक्त। तो सबसे पहले कुछ बेसिक इंडियन चीज़ों का हम रेट देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आलू है वो है $2 पर LB, यानी कि लगभग $4.50 पर KG के हिसाब से। लेकिन अगर आप सस्ते आलू लेना चाहो तो ये देखो, ये सिर्फ $6 में आपको 10 LB यानी लगभग 4.5 किलो सिर्फ $6 में मिल जाएगा यहाँ पे। अगर आप अनियंस के भी बड़े पैक लेते हो तो वो भी आपको सस्ता पड़ेगा, ये जैसे $10 का 10 LB है। पाइनएप्पल यहाँ पे बहुत सस्ते मिल रहे हैं, सिर्फ $1 का एक। तो यार शिमला मिर्च यहाँ पे थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, जैसे कि ये नॉर्मल अगर आप शिमला मिर्च ले रहे हो तो ये $4 की 1 LB है, और जो ये वाली शिमला मिर्च है रेड और येलो वाली, ये दोनों $5-5 की 1 LB है। तो यार यहाँ पे आपको फ्रोजन ब्रेड्स की भी बहुत अलग अलग टाइप की इंडियन ब्रेड्स की वैरायटी मिल जाएगी। जैसे ये देखो, ये रोटी मिल रही है यहाँ पे होल व्हीट की, लेकिन ये ज़्यादा अच्छी होती नहीं है, मतलब पकाने पर क्रिस्पी बन जाती है। और आपको यहाँ पे नान मिल जाते हैं, तंदूरी नान, ये $5 का पैकेट है, लेकिन यहाँ पे इसी वाले स्टोर पर $1 का भी पैकेट मिल रहा है नान का। ये 5 पीस का पैकेट सिर्फ $1 का है। तो ये देखो यार, ये मैगी मिल रही है यहाँ पे 39 सेंट्स की, 39 सेंट्स की एक पैकेट मैगी है। बाकी आपको लगभग नो फ्रिल्स में सारा इंडियन सामान मिल ही जाता है, जैसे कुरकुरे के पैकेट हो गए, ये भी $1 का एक है। आपको गुड्डे मिल जाते हैं, ये भी $1 का एक पैकेट है। शक्कर पारे का पैकेट है, शक्कर पारा $3 का एक पैकेट है। यहाँ पे चॉकलेट्स, बिस्किट्स की बहुत टाइप की वैरायटी मिल जाएगी आपको, इंडियन भी सारे बिस्किट्स मिलेंगे लगभग। ये देखो, जैसे पार्ले जी का पैकेट है $1.29 का एक पैकेट है। मैरी गोल्ड का पैकेट है, ये $1 का है। आपको भाई लिटल हर्ट्स भी मिल जाएंगे और आपको चाय के साथ खाने के लिए यहाँ पर रस भी मिल जाएंगे, ये $5 का पैकेट है। और ये वाला ब्रिटानिया का जो रस है ये $4 का। कॉफ़ी की भी यहाँ पे यार बहुत अलग अलग तरीके की वैरायटी आती है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों को टिम होर्टन्स की कॉफ़ी पसंद होती है। आपको नेस्कैफे की कॉफ़ी मिल जाएगी $5 की। तो यार अगर आप ड्रिंक्स के भी यार बहुत ज़्यादा शौकीन हो तो यार यहाँ पे पेटियाँ की पेटियाँ मिलती हैं, और सिंगल पीस से पेटी जो है वो काफ़ी सस्ती पड़ती है। लाइक ये जो पेटी है 24 पीस की, ये आपको मिल जाती है सिर्फ $12.50 की। और यहाँ पर आपको किसी भी चीज़ के ऊपर MRP देखने को नहीं मिलेगा, ये खाली इन्होंने नीचे प्राइस लिखा होता है और ये लगभग हर रोज़ मतलब चेंज होता रहता है प्राइस। तो कोई भी चीज़ का प्राइस जो है वो ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन कई बार देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के जूसेस भी मिल जाएंगे। यार आपको 1.8 किलो का जो राजमा का पैकेट है वो मिल रहा है $6 का। और अगर आप देखोगे ये जो है, ये शायद अरहर की दाल है, अरहर की दाल आपको 1.8 किलो मिल रही है $5.50 की। और जो काबुली चना है इसका बड़ा पैकेट ये है $11.50 का, 3.63 KG का कोहिनूर बासमती एवरीडे राइस। ये है $14 का 8 LB।
और ये दूसरे वाला कोहिनूर का बासमती राइस है, ये है $18 का 10 LB का पैकेट। फ्रूट्स की भी यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग तरीके की वैरायटी मिल जाती है, जैसे कि ये देखो ये पियर पड़ा है $2 का 1 LB, और आलू बुखारे हैं $4 का 1 LB। या ब्रेड्स की भी यहाँ पे दुनिया भर की वैरायटी होती है आपके पास, बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके की ब्रेड आती है यहाँ पे। एक लगभग जो नॉर्मल ब्रेड का पैकेट होता है इतना बड़ा, वो लगभग $3 का आता है। तो यार आज किस्मत मेरी थोड़ी सी ज़रा साथ नहीं दे रही, मैं मेनली यहाँ पे तीन चीज़ें लेने आया था। पहली लेने आया था आलमंड मिल्क, नॉर्मल वाला नहीं है, चॉकलेट वाला है, लेकिन वो बेकार होता है। दूसरी चीज़ मैं यार यहाँ पे लेने आया था टमाटर यहाँ पे लगभग सारे ख़त्म हो गए, बस एक टमाटर पड़े हैं $2/LB के, लेकिन मेरा लेने का दिल नहीं है, पता नहीं क्यों कद्दू जैसे टमाटर अजीब से लग रहे हैं थोड़े। और यार तीसरी चीज़ें जो मेरी ख़त्म हो गई थी वो है हरी मिर्च यार, मोटी वाली है, छोटी वाली नहीं है। और जो मोटी वाली यहाँ पे हरी मिर्च है वो थोड़ी महंगी है, $7/LB यानी लगभग $15 की 1 किलो। तो यार पहली बार ऐसा हुआ है कि जो जो सामान चाहिए था सारे आउट ऑफ स्टॉक है, तो इसलिए यार खाली हाथ घर लौट रहे हैं। आई होप कि यार वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो ऐसी मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।